मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल भी थे और आइडेंटिकल भी थे। बोज़ आइंस्टाइन में आइडेंटिकल तो हैं लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, उनको आप शिनाख्त भी नहीं कर सकते। सेम वे में फर्मी डार्क डिस्ट्रीब्यूशन में भी पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल है, यहाँ पर भी शिनाख्तेबल नहीं है। और दूसरी चीज के बोज़ आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कहा था कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पिन जीरो होनी चाहिए या इंटीग्रल होनी चाहिए, प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू। लेकिन फर्मी डार्क डिस्ट्रीब्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल होनी चाहिए, यानी प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू प्लस फाइव बाई टू माइनस थ्री। और इस तरह के पार्टिकल्स को परमियॉन कहते हैं और इनके एग्जाम्पल्स हैं न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिट्रॉन। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस वन बाई टू या माइनस वन बाई टू होती है, तो ये फर्मियॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हमने कोई डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है तो वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इस तरह से फोटॉन फोनॉन के ऊपर हमने भी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है तो वो बोज़ आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और अगर गैस मालिक्यूल्स हैं जिनकी कोई इसका जिक्र नहीं है स्पिन वगैरह का, तो उसके लिए हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। एक और चीज़ कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन और जो बोज़ आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें यह था कि हर पार्टिकल हर एक्सेसिबल एनर्जी स्टेट के अंदर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दो इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एनर्जी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक एनर्जी स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है। तो वो जो थी कि इक्वल पास्टुलेट ऑफ इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी, वो फर्मियॉन के केस में या फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वैलिड नहीं है, ओबे नहीं करता। इसकी बजाय पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, तो ये स्टेट करता है कि ईच वन पार्टिकल आइगन स्टेट कैन अकोमोडेट ओनली जीरो और वन पार्टिकल, या वो खाली होगी या उसमें एक पार्टिकल होगा। तो इस चीज़ को अगर हम उसमें एक दिखाना चाहें डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, तो ये हमारे पास है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल है ई वन, इसकी एनर्जी है इसमें एक ही पार्टिकल एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस तरह से दूसरी एनर्जी स्टेट है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तीसरी है, चौथी है, ये कुछ खाली हैं कुछ में पार्टिकल्स मौजूद हैं। और यहाँ पे फिर ये ज़रूरी है कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो ये नंबर ऑफ जो सब स्टेट्स हैं ये उन पार्टिकल से ज़्यादा होनी चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि हर पार्टिकल में एक एनर्जी स्टेट के अंदर एक पार्टिकल है, तो जितनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे अगर सब उसमें हो जाए तो फिर मजीद एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल नहीं होंगी, तो इसलिए नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट जो है वो जी आई की वैल्यू एन आई से ज़्यादा होना जरूरी है। अब इस केस में स्टेट ऑक्यूपाइड होगी या नहीं होगी, यानी या खाली होगी या उसमें पार्टिकल मौजूद होगा। अब इसकी बेस पे हम यहाँ जो है ना वो परम्यूटेशन बनाएंगे और इनको अरेंज करेंगे। तो यहाँ भी पार्टिकल सारे एक जैसे हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से आप चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको यहाँ ले आए इसको यहाँ ले आए डिस्ट्रीब्यूशन सेम की सेम रहेगी, अरेंजमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हम जो अब अरेंजमेंट बनाएंगे वो होगी कि स्टेट खाली है या स्टेट फिल्ड है। Degenerate eigen states in the ith energy state Ei are classified into two groups, occupied states Ni and unoccupied state Gi minus Ni. Here we have taken Gi greater than Ni. वो जितनी स्टेट्स फिल हो जाएंगी बाकी Gi स्टेट्स हैं, Ni फिल होंगे तो बाकी जो बचेंगे वो Gi minus Ni और वो फिर खाली स्टेट्स होंगे। परम्यूटेशंस फॉर जी आई माइनस एन आई एम्प्टी स्टेट्स अमंग देमसेल्फ, आपस में इनको करें तो जस्ट मैंने बताया था कि पिक्टोरियल की टर्म हम साथ लिखते हैं, ये नंबर ऑफ वे जिससे हम खाली स्टेट्स को एक दूसरे के साथ रीअरेंज कर सकते हैं। चूँकि ये खाली स्टेट एक को दूसरे से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट पर, तो ये परम्यूटेशन जो है वो इररेलेवेंट कहलाएंगे। इन द सेम वे जो जी जो है जी आई स्टेट्स हैं टोटल आइगन स्टेट्स, उनके लिए जो अरेंजमेंट होगी वो जी आई पिक्टोरियल कहलाएगी और ये रेलिवेंट परम्यूटेशन हैं क्योंकि जी टोटल स्टेट्स में कुछ फिल स्टेट्स भी हैं कुछ एम्प्टी भी हैं, फिल को एम्प्टी के साथ रिप्लेस करेंगे तो अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि जी आई पिक्टोरियल जिस परम्यूटेशन हैं ये रेलिवेंट हैं।
अगर हम सिर्फ पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, एन आई फिल स्टेट या फिल स्टेट की बात कर लेंगे, जो फिल स्टेट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है या परमियान मौजूद है, उसके लिए क्योंकि एन आई है, एन आई पिक्टोरियल परम्यूटेशन बन जाएंगे। अब क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन या हर पार्ट परमियान एक ही जैसा है, एक को दूसरे के साथ रिप्लेस करने से अरेंजमेंट के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी इररेलीवेंट है। तो एम्प्टी स्टेट की जो परम्यूटेशन है वो भी इररेलीवेंट है, और फिल स्टेट के जो वो हैं परम्यूटेशन वो भी इररेलीवेंट हैं। सिर्फ जो ऑल स्टेट्स हैं जिसके अंदर फिल्ड अनफिल्ड दोनों ही शामिल हैं, उनके परम्यूटेशन सिर्फ वही रेलिवेंट है। इसकी बेस पे जो हम प्रोबेबिलिटी फॉर दी आईएथ स्टेट हम बनाएंगे डब्ल्यू आई, ये रेलिवेंट परम्यूटेशन डिवाइडेड बाई इररेलीवेंट परम्यूटेशन। तो रेलिवेंट परम्यूटेशन जी आई पिक्टोरियल है, एन आई पिक्टोरियल इररेलीवेंट है, और जी आई माइनस एन आई पिक्टोरियल भी इररेलीवेंट है। तो रेलिवेंट परम्यूटेशन डिवाइडेड बाई इररेलीवेंट परम्यूटेशन, हमारे पास ये आईएथ एनर्जी स्टेट की जो प्रॉबिलिटी है या उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो इसके इक्वल है। अब ये आई स्टेट के लिए है, इसमें आई को वन रखेंगे तो ये फर्स्ट स्टेट हो जाएगी, आई को टू रखने से टू। तो होल्स के लिए हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन पहली स्टेट की प्रॉबिलिटी मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड की, थर्ड की, सो वन। इसको हम लिख सकते हैं पाई आई डब्ल्यू आई, और डब्ल्यू आई की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, वी हैव प्रोडक्ट ओवर आई जी आई पिक्टोरियल डिवाइड बाई एन आई पिक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई जी आई माइनस एन आई पिक्टोरियल। तो ये उस पूरे सिस्टम की प्रॉबिलिटी है जो कि कितनी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स पाई जाएंगी या इलेक्ट्रॉन जो है वो किस किस स्टेट में जा सकता है। एंड दिस रिलेशन आर इक्वेशन इज नोन एज फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। आप देख रहे हैं ये पहले दोनों से डिफरेंट डब्ल्यू की है। अगेन अब फिर वही काम हमारा स्टार्ट हो जाता है कि अब हमने इसकी डब्ल्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है, उसके लिए सबसे पहले हम वही इसका लॉग लेंगे, डिजिटल लॉग लिया, तो ये प्रोडक्ट मेशन में कन्वर्ट हो गया, इसका लॉग डिवाइड बाय माइनस इसका लॉग माइनस इस टर्म का लॉग। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट टर्म से इन एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स जी एल, इस तरह से ये सेकेंड टर्म एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, और फिर थर्ड टर्म एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, ये चूंकि प्लस वाले टर्म इन माइनस साइंस की वजह से प्लस कन्वर्ट हो गए। इंटरनल कंस्ट्रेंट्स के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू वन, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, और इसको फिर हम अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू ई एन वन ई वन प्लस हर लेवल की एनर्जी को ऐड करेंगे, और इसको फिर हम बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर अब इस अल्फा वाली टर्म और बीटा वाली टर्म को हम लॉग डब्ल्यू वाली टर्म में से माइनस करेंगे क्योंकि ये दोनों जीरो के इक्वल हैं, और जिस प्रोसीजर को हम लैग्रेंजी मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर कहते हैं, उसके मुताबिक हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो है वो हमारी ओरिजिनल टर्म्स हैं, ये टर्म पर हमने अल्फा वाली माइनस की है, ये बीटा वाली टर्म इसमें से माइनस कर दिया, और डब्ल्यू को हमने डब्ल्यू डैश के साथ लिखा, हमारे पास अब फाइनली ये रिजल्ट आ गया। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है एन आई के लिहाज से, एन आई के अलावा बाकी तमाम टर्म कांस्टेंट होंगे, तो यहाँ एन आई नहीं है, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव जीरो है, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म एन आई को छोड़ के लॉग का डेरिवेटिव वन ओवर एन आई आ गया, और प्लस लॉग एन आई और एन आई का डेरिवेटिव वन। इस तरह से इसमें भी प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, इस टर्म को छोड़ा और लॉग का डेरिवेटिव वन ओवर दिस, और उसके बाद ये जो टर्म है लॉग को हटा के जी आई का डेरिवेटिव जीरो है माइनस, और एन आई का डेरिवेटिव वन, ये माइनस वन इसका डेरिवेटिव आएगा, फिर माइनस अब लॉग वाली टर्म और इस टर्म का डेरिवेटिव, तो जी आई माइनस एन आई, जी आई का जीरो और एन आई से माइनस वन। इस तरह से ये माइनस अल्फा एन आई का डेरिवेटिव वन, इसका जीरो, ये बीटा ई आई और एन आई का डेरिवेटिव वन, बीटा ई का डेरिवेटिव जीरो, हमारे पास ये टर्म्स आ गए। इसमें भी ये एन आई के साथ कैंसिल होगा, ये टर्म माइनस वन बन जाएगी, ऐसे ये वाली आपस में कैंसिल होंगे, ये माइनस वन और माइनस वन, ये प्लस वन, ये टर्म प्लस वन की होगी, ये वाली टर्म माइनस वन की आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास एक ये टर्म बचेगी, ये माइनस माइनस प्लस ये टर्म होगी अल्फा वाली और बीटा वाली, तो ये चार टर्म बचेंगे, ये टर्म, ये वाली टर्म, अल्फा और बीटा।
अब इस मैक्सिमम वैल्यू के लिए डेरिवेटिव को हम जीरो के इक्वल रखें, इसको सॉल्व करेंगे, समेशन को हटा दिया, ये आ गया अल्फा बीटा को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, लॉग को ख़त्म करने के लिए हम इसका एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल ले लिया हमने, और जी आई डिवाइड बाई एन आई माइनस एन आई डिवाइड बाई एन आई, ये एन आई ओवर एन आई वन हो गया, ये टर्म आई हमारे पास इस माइनस वन को हमने राइट साइड पर शिफ्ट करके इसको इक्वेशन को उल्टा दें, तो एन आई डिवाइड बाई जी आई इक्वल टू वन डिवाइड बाई दिस टर्म, और जी आई से राइट साइड पर मल्टीप्लाई एन आई इज इक्वल टू जी आई ओवर एल्फा प्लस बीटा आई प्लस वन। अब आप फिर देख रहे हैं कि ये इक्वेशन वैसी ही है, बोस आइंस्टाइन के केस में यहाँ माइनस वन था, फर्मी डिराक के केस में यहाँ प्लस वन आया है, और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में ये प्लस वन या माइनस वन नहीं है, सिर्फ ये है। दिस रिलेशन इज नोन एज फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। इससे हम फर्मी फंक्शन भी, इसमें ये जो एफ ये वन ओवर जी आई वाली टर्म को हटा के बाकी जो टर्म बात रही वन ओवर एक्सपोनेंस अल्फा प्लस बीटा आई प्लस वन, इसको हमने एफ ऑफ ई के इक्वल ई आई इक्वल देखते हैं। इसमें हम करते हैं कि लेट बीटा इज इक्वल टू वन ओवर के बी टी, के बी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ई टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और अल्फा इज इक्वल टू माइनस ई एफ ओवर के बी टी, ई एफ इज द फॉर्मी एनर्जी, इसको आगे डिफाइन किया हुआ है, ये वैल्यू उसमें अल्फा और बीटा की जगह पुट करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ ऑफ ई, अब ई आई को ई से रिप्लेस कर दिया, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू वन ओवर एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ, ये ई माइनस ई एफ और इसका एलसीएम के बी टी है प्लस वन। दिस एफ ऑफ ई इज नोन एज फर्मी फंक्शन, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टेट विद एनर्जी ई इज फिल्ड बाई ए फर्मियन, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताता है कि फर्मियन से ये स्टेट फिल कितनी परसेंट फिल होने के चांस है। ई एफ इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर विच प्रोबेबिलिटी बिकम्स वन बाई टू, यानी ई एफ वो एनर्जी है जिस पर ये एफ ऑफ ई की वैल्यू वन बाई टू हो जाती है, क्योंकि अगर हम इसमें ई को ई एफ इक्वल पुट करें तो ई एफ माइनस ई एफ जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल जीरो वन की इक्वल है तो वन प्लस वन, तो ये फिर एफ ऑफ ई वन बाई टू के इक्वल हो जाएगा। If we consider n of e dei as the number of particles or number of fermions having energy in the range between e and e plus e, in that case we can write the Fermi Dirac distribution as n of e de, gi की जगह in n i की जगह हमने n of e de लिख दिया, यहाँ gi था, gi की जगह g of e de लिख दिया, और नीचे वो alpha beta की value put करने के बाद exponential e minus e f over k b t plus one, जो कि ये वन ओवर एक्सपोनेंशियल ये एफ ऑफ ई के इक्वल होता है, तो एफ ऑफ ई और ये जी ऑफ ई डी, एन ऑफ ई इज डी इज इक्वल टू एफ ऑफ ई जी ऑफ ई, एंड दिस इक्वेशन गिव्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच कैन बी फाउंड इन द एनर्जी रेंज ई टू ई प्लस डी ई, ये हमें उसकी तादाद बताएगा जिनकी वो इलेक्ट्रॉन या वो फर्मियन जिनकी एनर्जी ई स्मॉल चेंज ई प्लस डी ई के इक्वल है, तो वो कितनी तादाद में इस एनर्जी स्टेट में पाए जाएंगे। द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एफ इज द फर्मी एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट फील्ड स्टेट एट एब्सोल्यूट जीरो।